राम की याद में यहाँ इकट्ठे हुए साथियों, अभी भी ये सोचना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग सीताराम जी की याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही असमय और बिल्कुल अचानक कमेंट सीताराम चले गए। अभी इस चुनाव के दौर में YouTube पर सीताराम जी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, अनफिल्टर्ड। अब उसमें एक सीन है जहाँ सीढ़ी से सीताराम जी नीचे उतर रहे हैं, दिल का भंवर करे पुकार गुनगुनाते हुए। अब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक अब हमारे बीच में नहीं है, ये सच में इसको मानना कठिन है। 50 साल की यात्रा अचानक आकर के रुक गई। यात्रा शुरू हुई थी JNU से और मुझे हमेशा लगता है कि एक अच्छी बात यह रही कि वो JNU वाला अंदाज, एक छात्र नेता वाला अंदाज सीताराम जी इसको लेकर ही चले जहां भी गए। और इसीलिए पता कर नहीं चला कि 50 साल बीत गए, क्योंकि अंदाज वही रहा। ये जो 50 साल बीते हैं इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई। एक समय था जब 10 दिन में दुनिया हिल उठी थी, और जिस दौर में हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में लगता है कि बहुत सारी चीजें उलट जा रही हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो फिर एक बार पूरे यूरोप में फासिवाद का उभर हो रहा है। पिछले 1 साल से फिलिस्तीन पर लगातार नरसंहार चल रहा है, वो अब आगे बढ़ करके लेबानन तक चला गया। दुनिया में बिल्कुल आज का जो हालात है वो एकदम बदला हुआ है। अगर हम देश की बात करें तो जिस दौर में सीताराम शुरू कर रहे थे वो दौर था कांग्रेस से लड़ते हुए देश में पार्टियां आगे बढ़ रही थी, कम्युनिस्ट खास तौर पर बढ़ रहे थे। और आज जिस दौर में सीताराम हमें छोड़ करके चले गए, ये दौर है जहां भारतीय जनता पार्टी को RSS को पछाड़ते हुए उसको शिकस्त देते हुए कम्युनिस्टों को आगे बढ़ना है। बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति आज है। इस बदली हुई परिस्थिति में कमेंट सीताराम हमेशा इस बदलाव को समझने और इससे जूझते हुए अपना रास्ता तय करने इसलिए यकीन रखते थे। आमतौर पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों के बीच में एक निगोशिएटर का काम करना, एक मीडिएटर का काम करना बखूबी करते थे, और अब जानते हैं कि जब कई विचार के कई पार्टियां एक साथ चले तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलते हैं तो कभी कभी हमारी भाषा भी कॉमन मिनिमम भाषा बन जाती है। लेकिन इस दौर में भी हमने देखा कि कभी कभी सीताराम जी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते थे। पार्लियामेंट में, शायद राज्यसभा में उनका एक भाषण है, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा। इस दौर को समझने में उन्होंने देर नहीं की और कहीं इसमें कहीं चुके नहीं, और उन्होंने साफ साफ कहा जिस दौर में हम लोग कह रहे हैं कि संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान का सबवर्शन हो रहा है, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंसरेक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के खिलाफ एक बिल्कुल जंग, एक युद्ध चल रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग हिंदुत्व की विचारधारा को वर्षों से हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इस देश में नव उदारवाद के दौर में कॉरपोरेट की बढ़ती हुई ताकत, इसको भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सब मिलकर के जब 2014 में मोदी सरकार की शुरुआत होती है तो ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल एक गुणात्मक बदलाव आ जाता है। इस गुणात्मक बदलाव को, इस फासीवाद के हमले को समझने में बिल्कुल देर नहीं हुई, और आज निश्चित तौर पर कम्युनिस्टों के सामने यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कम्युनिस्टों के लिए नहीं, इस देश में जो भी जमहूरियत में यकीन रखने वाले, संविधान की बात करने वाले, या जो फारूक साहब से लेकर के तमाम साथियों ने कहा, हिंदुस्तान पे, इस देश को बचाने की अगर हम बात करें तो बिना एक मजबूत लोकतंत्र, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी, इसके बगैर हम इसको कर नहीं पाएंगे। आज ऐसा दौर है जब अक्सर हम लोग जस्टिस की बात करते हैं
तो सिर्फ सोशल जस्टिस समझते हैं। संविधान हालांकि कहता है कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आज जिस दौर में हम लोग हैं, अरे बंगाल से जो जस्टिस का नारा उठ रहा है वो हमें बता रहा है कि जेंडर जस्टिस को बिल्कुल सेंटर में रख के चलना है। और अभी लद्दाख से सोना मुआंचुक तो दिल्ली आ रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि क्लाइमेट जस्टिस को भूलना नहीं, क्लाइमेट जस्टिस को सेंटर में रखते हुए अब आगे बढ़ना है। ये दौर बिल्कुल ऐसा दौर है जहां बहुत सारे नए मुद्दों के साथ नई लड़ाइयां लड़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और एक ऐसे दौर में कॉमरेड सीताराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके विचार हैं, उनकी विरासत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आंदोलन, इस देश का सेकुलर मिजाज, इस देश के जो आज़ादी के आंदोलन के समय से इस देश का आगे बढ़ता हुआ वो जो इतिहास है, आज़ादी पसंद, तरक्की पसंद वो जो मिजाज है देश का, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और हमारे आगे बढ़ने में ही कॉमरेड सीताराम हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की केंद्रीय कमेटी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से कॉमरेड सीताराम को लाल सलाम पेश करता हूँ। और CPM के तमाम साथियों से, CPM के लीडरशिप से ये हमारा कमिटमेंट है कि इस पूरे दौर में हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सारे मतभेदों के बावजूद इस दौर में हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, लाल झंडे को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के हम लोग चलेंगे। कॉमरेड सीताराम जी, लाल सलाम।